हेलो फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेब स्लो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में। इस वीडियो में मैं एचटीएमएल पे फुल ट्यूटोरियल लाया हूँ, जिसमें हम एचटीएमएल को सीखेंगे और इसके एलिमेंट्स, टैग्स और सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो आज की वीडियो सभी यूज़र के लिए हैं, उन बिगनर्स के लिए हैं जो एचटीएमएल लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और अपना वेब डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं। सो आज के कोर्स में हम फुल डिटेल में बात करेंगे एचटीएमएल क्या होती है, इसके एलिमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम फुल थ्योरी और लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे कि एचटीएमएल क्या होती है। सो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा उन सभी चीज़ों के बारे में। सो हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे विद थ्योरी और विद लाइव एग्जाम्पल के साथ। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी। और उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली किसी वीडियो को मिस ना कर सके। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एचटीएमएल क्या है। सो एचटीएमएल एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम लिंक्स, इमेजेस और कुछ ब्लॉक्स का यूज़ करके एक वेब पेज को रेडी करते हैं। और एचटीएमएल में हम अलग अलग ब्लॉक्स और एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने डाटा को शो करवाते हैं वेब सर्वर पर, और जिससे जो भी हम एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट्स, एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं उससे हम जो भी हम वेब पेज पे देखते हैं वो एचटीएमएल का ही कोड होता है। सो एचटीएमएल को स्टाइलिंग करने के लिए हम सीएसएस का यूज़ करते हैं, और एचटीएमएल के वेब पेजेस को हम डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और एचटीएमएल में हम अलग अलग ब्लॉक्स का यूज़ करके और इसमें फॉर्म्स का, इमेजेस का यूज़ करके एक वेब पेज को रेडी करते हैं और यूज़र को हम डाटा शो करते हैं। सो चलिए एचटीएमएल की लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है उस आगे। सो एचटीएमएल की लैंग्वेज को सीखने के लिए दोस्तों आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए और टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। सो ब्राउज़र में आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गूगल क्रोम का, फायरफॉक्स का, सफारी का, ओपेरा का या इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट एडिटर में दोस्तों आप ब्रैकेट्स का, सबलाइम का, नोट प्लस प्लस का, एटॉम का, विजुअल स्टूडियो सबका यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर ब्राउज़र का यूज़ करना चाहते हो तो आप गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हो। गूगल क्रोम काफ़ी पावरफुल और डेवलपिंग डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। और टेक्स्ट एडिटर की बात करो तो आप कोई भी इनमें से एडवांस लेवल का टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक नोट पैड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नोट पैड का यूज़ करने से आपकी जो डिज़ाइनिंग की स्किल्स है वो काफ़ी इंप्रूव होती है, आपकी कोडिंग की काफ़ी प्रैक्टिस होती है। तो स्टार्टिंग में आप नोटपैड से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद जब आप एडवांस लेवल पे चले जाओ तो आप ब्रैकेट, सबलाइम, टॉम जैसे एडवांस एडिटर पे शिफ्ट कर सकते हो। सो चलिए एचटीएमएल को लाइव एग्जांपल से समझते हैं, और लाइव एग्जांपल से एचटीएमएल का पहला एलिमेंट बना के देखते हैं और एचटीएमएल को लाइव करके देखते हैं। सो सबसे पहले एचटीएमएल को आपको फाइल बनाने के लिए आपको कोई किसी फोल्डर में आपको बना लेना है। तो फोल्डर यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से पहली एचटीएमएल यूट्यूब का फोल्डर बना रखा है आपके लिए, यूट्यूब का मैंने नेम रखा है ऐसा। तो मैंने एक पहले फाइल बना रखी है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। सो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, और आपको कोई भी एडिटर ओपन कर। सो इस वीडियो में ब्रैकेट्स एडिटर का यूज़ करूँगा। अगर आपको भी ब्रैकेट का यूज़ करना है तो आप ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपके पास ब्रैकेट्स एडिटर नहीं है तो आपको गूगल में जाना है, यहाँ से ब्रैकेट्स को सर्च कर लेना है, ब्रैकेट्स, और यहाँ से आपको सर्च करना है, और ये फर्स्ट नंबर पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो न्यू वर्जन है 1.4.2 है। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, इसके स्टेप्स हैं, आप इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सो ब्रैकेट्स की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको मैं आगे भी आपको जिक्र करूँगा। अगर आपको फ्यूचर में इसका यूज़ करना है तो आप इस एडिटर का यूज़ कर सकते हो डिज़ाइनिंग के लिए। सो चलिए हम अपनी पहली फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। सो जब भी आपको दोस्तों अपनी एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करनी है, सो एचटीएमएल में आपको एक्सटेंशन का यूज़ करना है .html। सो चलिए मैं फर्स्ट फाइल यहाँ से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको न्यू में जाना है। सो न्यू में आपको यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि मुझे फाइल सेव करनी है। सो यहाँ से मैं टैग लिख देता हूँ एचटीएमएल का, जो आपने देखा होगा कि हमेशा ये टैग हमेशा एचटीएमएल में आपने देखा होगा कि ये यूज़ होता है। सो इसको मैं कैप्स लॉक दबा देता हूँ। सो ये हमेशा दोस्तों बड़े अक्षरों में ही होगा डॉट टाइप। सो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एचटीएमएल, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों एचटीएमएल हमेशा जब भी आप कोई टैग कोड यूज़ करते हो उसके लिए सात ब्रैकेट्स होती है। सो टैग्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा कि क्लोजिंग टैग्स और ओपनिंग टैग्स कैसे करते हैं। सो मैं समय बचाने के लिए इस कोड को जल्दी लिख लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे बेसिक कोड को लिख लिया एचटीएमएल के। सो इसको हम सेव कर लेंगे अभी। सो सेव के लिए मैं कंट्रोल एस का यूज़ करूँगा, और यहाँ से मैं अपने फोल्डर को फाइंड करूँगा। यहाँ पर फाइल रखी थी। सो यहाँ से मैंने एचटीएमएल यूट्यूब का नेम का फोल्डर बना रखा है। सो उस पर मैं सेव कर लूँगा। सो जब भी दोस्तों आप कोई फाइल को क्रिएट करते हो तो आपको एचटीएमएल के साथ एचटीएमएल के एक्सटेंशन का यूज़ करना है फाइल के साथ। तो यहाँ से मैं इंडेक्स
.html का यूज़ करूँगा, तो ये HTML डॉक्यूमेंट हमारा फर्स्ट रेडी हो जाएगा। ये फाइल हमारी HTML की पहली बन जाएगी। सो यहाँ से मैं index.html को यहाँ से सेव कर दूँगा। सो दोस्तों जब आप इसको सेव करोगे, ये देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, वो रेडी हो चुका है। सो यहाँ से मैं एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना भूल गया हूँ। एट्रीब्यूट भी क्या होते हैं उसका मैं आपको आगे जिक्र करता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं एक यूज़ कर लेता हूँ। HTML के साथ यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। सो ब्रैकेट्स एडिटर में आप देख सकते हो कि मुझे इसने पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से मुझे इसका बता रहा है कि आप लैंग्वेज यूज़ कर लो, क्योंकि ये एडवांस एडिटर है। तो एडवांस एडिटर में ये फैसिलिटी होती है आपको कि आपको ये टैक्स और एट्रीब्यूट अपने आप ही शो कर देता है। तो यहाँ से मैं अगर इंग्लिश चूज़ करना चाहूँ, इंग्लिश का चूज़ करता हूँ, और यहाँ से ये मैं यहाँ से सेव कर लूँगा। सो चलिए अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं डेफिनेशन देता हूँ, इस टैक्स का क्या मतलब है और इस टैक्स का क्या डेफिनेशन है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डॉक टाइप HTML के बारे में बताना चाहता हूँ, इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, हम इससे शुरू करते हैं, लेकिन हम इसका क्यों यूज़ करते हैं। सो जो डॉक टाइप HTML होता है, वो इसको ये गूगल में डिफाइन करता है कि हमारा ये HTML का डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम इसको सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं। सो HTML का दूसरे बाद आपको यहाँ से दिख रहा होगा, तो HTML जब भी आप यहाँ से स्टार्ट टैग करते हो, यहाँ से आपको क्लोज टैग भी करना पड़ता है। सो HTML के साथ लैंग्वेज एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको। जब भी आप किसी टैग के अंदर दूसरे ऐसे एट्रीब्यूट वैल्यू को लिखते हो, उसकी वैल्यू देते हो, ये एक लैंग्वेज, यहाँ पे मेरा एक एट्रीब्यूट है और जो मैं इंग्लिश यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। सो एट्रीब्यूट का मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ साथ में। जब भी हम किसी टैग का यूज़ करते हैं, सो टैग के अंदर मैं जब किसी दूसरे एलिमेंट को लिखता हूँ, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, और डबल इक्वल टू डबल कोट करके उसका जब मैं वैल्यू देता हूँ, उसकी हम एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं। सो उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। सो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ हेड के बारे में। हेड में दोस्तों हम जितने भी मेटा टैग्स होते हैं, टाइटल होते हैं, या जितनी फाइलें हमें लिंक करनी होती हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर टाइटल। सो मैंने यहाँ पर लिखा है गेट स्टार्टेड विद ब्रैकेट्स। यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो। सो यहाँ से इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ से हम लिख सकते हैं My first project in HTML। सो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा, और ब्राउज़र में जाने से पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। सो जब भी दोस्तों आप टाइटल का यूज़ करते हो, सो अगर मैं ब्राउज़र में इसको रन करके दिखाऊं कि ये कैसा आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा और अपने मैं फोल्डर में जाऊंगा, और फोल्डर में इस फाइल को मैं गूगल क्रोम में ओपन कर लूँगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मैंने टाइटल का यूज़ किया, यहाँ पे वो आ गया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट इन HTML। सो यहाँ से जब भी आप किसी टाइटल को लिखते हो, हेड में टाइटल टैग का यूज़ करते हो, तो टाइटल आपका ये होता है कि आपका वो टाइटल इस URL के ऊपर आ जाता है। सो चलिए बाकी टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ आपको। सो मेटा का जब हम क्यों यूज़ करते हैं, सो जब भी आप HTML का यूज़ करोगे, ये मेटा टैग आपको बहुत आगे यूज़ होने वाले हैं किसी भी फाइल में। सो मेटा चार सेट इक्वल टू UTF-8 क्या होता है। सो दोस्तों जितने भी HTML के अंदर सिंबल्स और अलग अलग लैंग्वेज का हम करेक्टर्स का यूज़ करते हैं, उसके लिए इस टैग का यूज़ होता है। सो मेटा चार सेट इक्वल टू UTF-8 का यूज़ हम इसके लिए करते हैं। सो मैं नेक्स्ट टैग की बात करता हूँ। मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू विथ डिवाइस विथ और इनिशियल स्केल 1.0। सो दोस्तों इस टैग का यूज़ हम करते हैं किसी भी HTML में स्केलिंग और जूमिंग को कंट्रोल करने के लिए, इस टैग का इसलिए हम यूज़ करते हैं। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टैग लिखा है और यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है। सो इसका मैंने इस वीडियो में जिक्र नहीं करना था, लेकिन मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल जाए, क्योंकि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपके लिए CSS का लाऊंगा। सो यहाँ पे हम लिंक का इसलिए यूज़ करते हैं टैग्स का, अगर आपको जब भी आप कोई CSS की फाइल बनाते हो या आप किसी थर्ड पार्टी फाइल का यूज़ करते हो, तो उसका मैं बताऊँगा, उसको लिंकिंग करने के लिए इस टैग का हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ से आपको लिखना पड़ता है लिंक, और टाइप आपको देना पड़ता है CSS, क्योंकि ये CSS की फाइल है, इसकी एक्सटेंशन मुझे CSS की फाइल मुझे लिंक करनी है। तो रिलेशन इसका क्या है, ये स्टाइल शीट होगी, तो यहाँ से मैं स्टाइल शीट का यूज़ करता हूँ। और HRF का दोस्तों मतलब होता है कि हम फाइल की लोकेशन को ढूंढते हैं और फाइल का नेम यहाँ पे लिखते हैं। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको लिखा है कि हम पहले मेरी फाइल अगर है तो किस कहाँ पे है, वो फोल्डर इस फोल्डर में है, और उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन मेरी कहाँ हो सकती है, सो यहाँ से हम उस एक्सटेंशन का नेम डालते हैं। सो चलिए होपफुली ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बेसिक समझ आया होगा कि हमारा टाइटल किस लिए यूज़ होता है और मेटा टैग्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट टैग्स की बात करते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। सो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले अपना पहला टैग लिख लेते हैं HTML के अंदर। सो जब भी आप किसी टैग को यूज़ करते हो, चलो मान लीजिए मुझे कोई हेडिंग लिखनी है, तो यहाँ से मैं H1 का यूज़ करूँगा और इसको मैं इस ब्रैकेट के साथ लिखूँगा, और आप देख सकते हो कि मेरे एडिटर ने अपने आप इस टैग को क्लोज़ कर दिया है। लेकिन आप नोटपैड अगर यूज़ करते होंगे तो आपको ये मैनुअली लिखना पड़ेगा कोड।
आपको स्टार्टिंग में नोटपैड का यूज़ करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो जब भी आप किसी टैग को लिखते हो या यहाँ से इसको क्लोजिंग बोलते हैं, जैसे मान लो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको क्लोज करके बताता हूँ। यहाँ से मैं इस ब्रैकेट को डालूंगा, क्लोजिंग के लिए मुझे फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना है और उस टैग का नेम लिखना है। और यहाँ से मैं लिखूँगा हेडिंग वन। और दोस्तों जो एडिटर है, ब्रैकेट का जो एडिटर होता है, उसमें एक ऑप्शन होती है आपको कॉपी करने के लिए इसको या डुप्लीकेट करने के लिए, उसमें ऑप्शन होती है कंट्रोल डी की। तो अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो इसको मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ और इसको यहाँ से नेम चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे H2 लिख देना है। तो आप देख सकते हो कि जितने मैंने टैग यूज़ किए हैं उसमें से मेरा टैग स्टार्टिंग हो रहा है ब्रैकेट के साथ और क्लोजिंग मेरा फॉरवर्ड स्लैश के साथ और टैग नेम लिखा हुआ है मैंने। तो आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है। तो हम सारी दोस्तों HTML के अंदर 6 हेडिंग होती हैं, जो ऑफिशियली 6 टैग होते हैं, तो H1 से लेके H6 तक होते हैं। तो आपको भी H1 से लेके H6 तक आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हेडिंग कितनी बड़ी है। अगर आपको टाइटल के लिए यूज़ करना है तो आप टाइटल के लिए H1 यूज़ कर सकते हो, उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हेडिंग का यूज़ करते हो। चलिए इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से इसको रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो कि हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गई है। इसके मैं नंबर चेंज कर देता हूँ जल्दी से। सो मैंने यहाँ पे इसके नंबर को चेंज कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आप अच्छे से देख सकते हो। सो दोस्तों मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी टैग को यूज़ करते हो HTML के अंदर, उसकी बाय डिफॉल्ट को स्टाइलिंग आ जाती है। उसका जिक्र मैं CSS में फुल डिटेल में करूँगा, लेकिन आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। सो जो तुम्हारे बिगनर्स हैं जिनको इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ कि डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग में इंस्पेक्ट एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप किसी टैग को करते हो या किसी वेबसाइट को क्रिएट करते हो, उसको अगर आपको यहाँ से कुछ कोडिंग आपको देखनी है तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करना पड़ता है माउस पे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाती है मोर टूल पे, डेवलपर टूल की, यहाँ पे तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। और इसका शॉर्टकट होता है यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। सो यहाँ से जब भी आप इंस्पेक्ट करोगे, और अगर आप किसी हेडिंग की स्टाइलिंग देखना चाहते हो कि इसकी हेडिंग की स्टाइलिंग क्या आ रही है, सो यहाँ से मैं अगर दिखाऊँगा आपको तो आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसका कुछ साइज आ रहा है बाय डिफॉल्ट और इसको ये मार्जिन मिल रहा है। इसकी सारी डिटेल है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा CSS के ट्यूटोरियल में। सो अभी के लिए हम HTML की भी बात करते हैं। सो चलिए मैं नेक्स्ट टैग की बात करता हूँ। ये हमारी H1 की हेडिंग की टैग थी। तो अगर आप टाइटल का यूज़ करना चाहते हो तो आप हेडिंग का यूज़ करते हो, और कई बार आपको बहुत ज़रूरत होती है, कोई पैराग्राफ चाहिए होता है, तो उसके लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टैग है हमारा P टैग, और यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन HTML, और इसको ही मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ कई बार, और यहाँ से इसको मैं स्पेस देके इस पैराग्राफ को थोड़ा लेंथी कर देता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। सो देख सकते हो कि ये हमारा आ चुका है। इसको हम पैराग्राफ के लिए करते हैं। सो यहाँ से मैं अगर इंस्पेक्ट करके आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, सो आप देख सकते हो कि इसका साइज़ हेडिंग के मुकाबले काफ़ी छोटा आ रहा है। सो इसका कुछ साइज़ आपको 1 EM दिखा रहा है, तो जिसका मतलब होता है 16 पिक्सल। सो आप देख सकते हो कि हेडिंग के लिए हम टाइटल का यूज़ कर लिए, हेडिंग टैग्स का यूज़ करते हैं, और पैराग्राफ के लिए हम पी टैग का यूज़ करते हैं। सो चलिए टैग के बाद मैं आपको यहाँ से कमेंट्स का बताता हूँ। चलिए HTML कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों बहुत बार जो डिज़ाइनिंग होती है, या हम जब भी कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या फिर स्टैटिक लैंग्वेज का, जैसे कि हम HTML यूज़ कर रहे हैं मार्कअप लैंग्वेज का, सो हम कोडिंग करते वक्त हमें जो प्रोफेशनली वर्क होता है, वो बहुत बारी हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कोड से पहले कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है अपने लिए और उन लोगों के लिए जब किसी को कोड प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो क्लाइंट के लिए हो चाहे आप किसी दूसरे डेवलपर को कोड प्रोवाइड करते हो। तो उसके लिए जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बहुत ज़रूरी पैराग्राफ लिखा है और इसको मुझे मेंशन करना है ये मैंने किस लिए बनाया है, तो यहाँ से मैं कमेंट कर दूंगा। तो कमेंट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। सो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ P टैग। सो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। सो दोस्तों अगर इसको मैं सेव करके यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाऊँ, ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ माई P टैग, वो यहाँ पे नहीं आया। उसका क्या मतलब है? सो दोस्तों जब भी आप इसको टैग को शुरू करते हो और उसके साथ ये नोट लगा के यहाँ पे स्लैश लगाते हो, तो इसका मतलब होता है कमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी कोड को रन करते हो या कोड के ऊपर ये चीज़ लिखते हो, इसके साथ ये कमेंट कर देता है। कमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे डेवलपर के लिए या दूसरे पर्सन के लिए या क्लाइंट के लिए आप एक ऊपर कमेंट कर देते हो कोड के ऊपर, किसी को बताने के लिए कि मेरा ये कोड किसके लिए है या मैंने किस लिए यूज़ किया है। सो HTML के अंदर आपको कमेंट करने के लिए इसका यूज़ करना है। सो यहाँ से आप लिख सकते हो। सो चलिए हम एट्रीब्यूट की अच्छे से दोबारा बात करते हैं।
सो पी टैग का जो एट्रीब्यूट होता है, एक एट्रीब्यूट होता है पी टैग का टाइटल। सो टाइटल एक एट्रीब्यूट है और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा इक्वल का, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा डबल कोट का। डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ से पैराग्राफ, और इसको मैं कर दूँगा सेव, और उसको मैं रन करके बताऊँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन आप अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके पैराग्राफ को देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टाइटल मेरा पैराग्राफ आ रहा है। सो दोस्तों एचटीएमएल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। सो आगे चल के मैं कुछ ऐसे टेस्ट का यूज़ करूँगा जिसमें आपको एट्रीब्यूट अच्छे से समझ आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात। सो दोस्तों मैंने एचटीएमएल के कुछ बहुत ही यूज़ होने टैग्स को यहाँ पे लिख दिया है। सो इसको समझ लेते हैं कि ये टैग्स क्या क्या है। सो दोस्तों आपको जब भी एचटीएमएल करोगे आपको ये काफ़ी टैग यूज़ करने को मिलेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक बी टैग का यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग का टैग का किया, और अलग अलग टैग्स का यूज़ किया है। पहले इसको मैं आपको सेव करके बता देता हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है। जब मैंने इसको सेव करते हैं आपको ये ऐसी आउटपुट देखने को मिलेगी। सो चलिए हम फर्स्ट टैग की बात करते हैं, जो हमारा बी टैग है। सो दोस्तों जो बी टैग होता है वो टैग्स को आपको बोल्ड कर देता है। सो ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट टैग है स्ट्रॉन्ग का, उसका मतलब यही होता है आप स्ट्रॉन्ग या बी टैग में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसका फ़र्क बताता हूँ। सो जो हमारा फर्स्ट टैग है यहाँ पे बोल्ड टैग, ये भी आपको क्या करता है, ये आपको देख सकते हो कि फॉन्ट वेट इसने बोल्ड करते हैं। ये CSS का पार्ट है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सो बोल्ड का मतलब है या अगर आप बी टैग का यूज़ करते हो किसी भी एलिमेंट के लिए या किसी टेक्स्ट के लिए, ये उसको बोल्ड कर देगा। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग का मतलब भी आप सेम देख सकते हो, ये भी फॉन्ट वेट बोल्ड ही देता है हमें बाय डिफॉल्ट। सो इन दोनों टैग में से आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, या स्ट्रॉन्ग का या बोल्ड का। सो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आई टैग मैंने यूज़ किया है। आई टैग का हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, और उसके बाद EM का यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हो इसकी स्टाइलिंग आपको कुछ अलग दिख रही होगी। सो EM और आई टैग ये दोनों क्या करते हैं, इटैलिक कर देते हैं। सो दोनों में से आप किसी भी अल्टरनेटिव वे इन्होंने बताया आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो चलिए उसके बाद मैं मार्क टैग की बात करता हूँ। सो मार्क टैग का हम कहाँ यूज़ करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये अगर हमें किसी टेक्स्ट को मार्क करना है या हाईलाइट करना है तो उस वहाँ पर हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं। सो मार्क टैग का आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट इसकी जो स्टाइलिंग है, बैकग्राउंड कलर इसका येलो होता है और कलर ये ब्लैक दे देता है। सो नेक्स्ट मैं करता हूँ बात स्मॉल टैग की। सो स्मॉल टैग का हम क्या यूज़ करते हैं, जब भी आप किसी टेक्स्ट को स्मॉल दिखाना चाहते हैं, अगर मान लो आपके पास बहुत सारा जैसे पैराग्राफ है और यहाँ से मुझे सिर्फ EM को सिर्फ मुझे स्मॉल करना है, तो ऐसे मैं इस टेक्स्ट का यूज़ कर सकता हूँ। तो स्मॉल टैग का जो फंक्शनैलिटी देता है हमें वो स्मॉल टैग को स्मॉल दिखाता है। सो नेक्स्ट टैग है डिलीट। सो कई बार दोस्तों मैं किसी पैराग्राफ में कुछ हमें ऐसा चाहिए होता है कि मुझे डिलीट टैग ऐसे करना है जिसके ऊपर मुझे लाइन आती हो, तो उसको वहाँ पे उस कंडीशन में मैं डिलीट टैग का यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट टैग की बात करूँगा INS इंस की। तो इंसर्ट ये क्या करता है, ये हमें जो यहाँ पे इसने कट किया था यहाँ से ये नीचे इसको लाइन को देता है। तो यहाँ पे मैं सब का यूज़ करता हूँ। सब बहुत ही HTML का पुराना टैग है, ऑल टैग है। तो सब का ये सब टैग का क्या यूज़ होता है, सब टैग जब भी आप यूज़ करते हो ये आपको देख सकते हो कि एक ही लाइन पे सारी चीज़ें आ रही थी, ये थोड़ा सा बॉटम में आ रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। इसको अगर मैं हाईलाइट आपको करके दिखाऊँ ये बॉटम में हमें दिखाई दे रहा है, और इसका ही उल्ट जो होता है ओपोजिट टैग होता है वो होता है सब टैग SUP। तो SUP जब आप सबको यूज़ करते हो वो सब जैसे ये बॉटम में आ रहा था ये आपको टॉप में ले जाता है। तो ऐसे ये वेरिएशन टैग है जिसका आप HTML में यूज़ करते हो। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ज़रूरी टैग होता है आप जब आगे इसका यूज़ करोगे डिज़ाइनिंग में, प्री टैग। प्री टैग का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले मैं एडिटर में दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे प्री टैग का यूज़ किया था। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ ब्रैकेट का, उसका आप देख सकते हो कि एडवांस फीचर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने प्री टैग को यूज़ किया है उसका एंडिंग कहाँ पे हो रहा है ये मुझे अच्छे से दिखा रहा है। सो प्री टैग में जब भी मैं किसी पैराग्राफ को यूज़ करूँगा सो ये पैराग्राफ मुझे ऐसे आएगा जैसे मैंने लिखा है टेक्स्ट को वैसे आएगा। अगर मैं नॉर्मली पैराग्राफ यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ दोनों में फ़र्क दिखाने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं किसी पैराग्राफ को लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ इसको पिक करने के लिए, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको लेंथी करने के लिए। सो मैं जल्दी से इसको लिखता हूँ और यहाँ से इसको मैं पेस्ट करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि मैंने जो पैराग्राफ लिखा है और जो मैंने प्री टैग लिखा है, प्री टैग में ये स्पेसिंग उतनी ही अपने आप ही ले रहा है यहाँ जहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं प्री टैग के नीचे कुछ ऐसे लिख दूँ दोबारा तो ये मुझे ये वाला हेलो भी मुझे नीचे दिखाएगा, क्योंकि प्री टैग का जो बाय डिफॉल्ट आपको फंक्शनैलिटी देता है उसका मतलब ये अपने आप ही ब्रेक कर देता है लाइन को। सो चलिए हम नेक्स्ट, अगर आपको किसी पैराग्राफ में किसी चीज़ को नीचे करना है बाय डिफॉल्ट, उसके लिए एक टैग होता है। जैसे मान लो यहाँ से मुझे इस लाइन को डिवाइड करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा
ये वाला पैराग्राफ आ रहा है, इसको मुझे नीचे चाहिए। सो अगर आपको मैं यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल से दिखाऊं कि हेलो आई एम डूइंग HTML और उसके बाद लिखता हूँ येस, और इसको मुझे मान लो येस, जो येस है उसको मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। उसके लिए दोस्तों हम एक टैग का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं br। br टैग होता है ब्रेक लाइन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो आई एम डूइंग HTML, तो मैं येस जो वर्ड है उसका मुझे नीचे करने के लिए उसको यहाँ पे मैं br का यूज़ करूँगा। इसको हम देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि हेलो आई एम डूइंग HTML, उसके बाद मैंने br का यूज़ किया, उसने क्या किया है, उसने को लाइन ब्रेक दे दी। अगर मैं वो नहीं करता, यहाँ से मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ से इसको खोल के आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं br को डिलीट कर दूँ तो ये क्या करेगा, येस को उसी लाइन पर ले आएगा। तो प्री टैग का और पैराग्राफ में br टैग का क्या मतलब है आपको होपफुली समझ आ रहा होगा कि प्री टैग क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है वैसे आएगा, और जो मेरा p टैग है उसको अगर मुझे थोड़ा लाइन ब्रेक देना है तो उसके लिए मैं br का यूज़ करूँगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं बटन टैग की, इमेज टैग की और एंकर टैग की। चलिए हम दोबारा एडिटर में जाते हैं, इसको मैं सारे कोड को डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले हम अभी एक इमेज लगा के देखेंगे HTML में कैसे इमेज को लगाते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले इमेज को लगाने के लिए आपको जहाँ पे अपने फोल्डर बना रखा है हमारा, यहाँ पे मैंने index.html की फाइल रखी है, वहाँ पे मैंने एक इमेज रख दी है क्रोम के आइकन को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको हमेशा ऐसे ही करना है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, इसका मैं नाम रख दूँगा इमेजेस। इमेजेस के अंदर मुझे क्रोम नाम का ये इमेज रख देना है। सो यहाँ से मैं अपनी इमेज रख दूँगा, तो दोबारा मुझे ब्रैकेट्स में आना है और यहाँ पे इमेज मैं कैसे दूंगा मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इमेज टैग को यूज़ करने के लिए आपको इमेज लिखना है, उसके बाद इसका एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो एट्रीब्यूट को यहाँ से अच्छे से समझो कि एट्रीब्यूट होता क्या है। सो इमेज को लगाने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है सोर्स, उसके बाद आपको इक्वल लिखना है। हमेशा एट्रीब्यूट को लिखने के लिए इक्वल यूज़ होता है, और उसकी वैल्यू देने के लिए आपको डबल कोट यूज़ करना है। सो इमेज को लगाने के लिए हमने क्या किया, इमेज टैग यूज़ किया, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट लिखा सोर्स, और उसकी वैल्यू देने के लिए हमें डबल कोट लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे खुद ही दिखा रहा है कि मुझे क्या इमेज का मुझे पाथ दिखा रहा है। ये मेरे एडवांस एडिटर के कारण हो रहा है, नोटपैड में आपको ऐसी ऑप्शन नहीं मिलेगी। सो आप इसका अगर यूज़ करते हो तो आपको ऐसी ऑप्शन दिखेगी। तो मुझे इमेज लगाने के लिए मुझे क्या करना है, पाथ देने के लिए इमेजेस में मेरी chrome.png नाम की इमेज है, यहाँ से मैं फिर इसको क्लोज कर दूँगा। तो इमेज का, इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग वैसे नहीं है जैसे आपको H1 देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ तो H1 में आप देखोगे उसका क्लोजिंग उसके नेम से क्लोज हो रहा है, लेकिन जब हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं तो इमेज का क्लोज हमें सिर्फ स्लैश लगानी पड़ती है यहाँ पे, तो इसमें ये फ़र्क होता है। तो इमेज टैग का हमें ऐसे यूज़ करना है। चलिए हम सेव करके देखते हैं, और मैं यहाँ पे इसको ब्राउज़र में रन करके देखूँगा। सो आप देख सकते हो कि ये इमेज हमारी आ रही है। सो ऐसी इमेज टैग के कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं, उसके बारे में आपको जिक्र कर देता हूँ। सो इमेज टैग का जो दूसरा होता है एट्रीब्यूट, वो होता है विड्थ। ये एक तरह का सिर्फ बेसिक और बिगनर के लिए है कि इसके एट्रीब्यूट का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप CSS का यूज़ करते हो प्रोफेशनली वे में, उसका मैं बार बार जिक्र करूँगा, मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फुल डिटेल में लेके आऊँगा। सो चलिए इसको अगर मुझे करना है 500 पिक्सल, सो करके देखते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको मैं रन करके देखूँगा। सो देखो कि आप यहाँ से इसने 500 पिक्सल कर दिया। ऐसी इसका जो सेकेंड एट्रीब्यूट होता है वो होता है हाइट। सो हाइट अगर मैं मुझे चाहिए 150 पिक्सल, जो कि ये काफ़ी ही स्ट्रेच हो जाएगी क्योंकि ये इसका विथ हाइट दोनों सेम नहीं है। सो मैं देखूंगा, आप देख सकते हो किसने ऐसे कर दिया है। सो सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए था, ये एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हो। चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट टैग की बात करता हूँ, जो कि है हमारा एंकर टैग। सो एंकर टैग दोस्तों HTML में लिंकिंग के लिए यूज़ होता है। कैसे होता है कि वो अभी एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, तो वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एंकर टैग आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है ए, उसके बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम है href। सो href का क्या मतलब होता है, href के बाद आपको इक्वल वही एट्रीब्यूट का रूल डबल कोट, और इसके बाद यहाँ से आपको लिंक देना पड़ता है। तो लिंक कैसे देते हैं, सो आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट दे सकते हो। तो आपको वेबसाइट का लिंक देने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उसको एड्रेस बार लिखनी पड़ती है। सो मान लो यहाँ से मैं इसका एड्रेस देता हूँ फेसबुक का। सो यहाँ से मैं लिख दूँगा facebook.com, और इसके बाद यहाँ से मैं इस टैग को बंद कर दूँगा, और इसके बाद हम सेव करके देखेंगे, इसको हम रन करके देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसका क्लोजिंग आपको लगाना है। सो यहाँ पे आपको क्लोजिंग लगाने के लिए यहाँ पे लिखना है क्लिक में, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगा। मैं यहाँ पे क्लोजिंग इसकी भूल गया था जब मैंने इसको सिर्फ लिंक दिया था। सो आपको एंकर टैग यूज़ करने के लिए आपको
एंकर टैग का यूज़ करना पड़ता है ए का, HRF का आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, और HRF के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ती है, यहाँ पे आप लिंकिंग करना चाहते हो इस एंकर को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक मी। सो अगर इसको मैं सेव करूँगा और ब्राउज़र में अगर रन करके देखूँ मैं, तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे रन करता हूँ, अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे ये पेज को ओपन कर देगा। सो यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो एंकर टैग आपको मैं रूल बता देता हूँ कि एंकर टैग का जब भी आप यूज़ करते हो, सो अभी आप देख सकते हो कि इसको मैं दोबारा अगर रन करके दिखाऊँ अपनी फाइल को, इंडेक्स को, अगर मैं बैक जाता हूँ, सो आपको यहाँ पे ये फाइल दिखाएगी। सो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस एंकर टैग पे क्लिक करूँ तो मेरा जो फेसबुक का लिंक है वो नी टैब पे ओपन हो, ना कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तब ओपन हो। इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये बंद ना हो, मैं आपको एग्जांपल अच्छे से बता सकूँ। अगर मान लो अभी क्या आ रहा है, हमने एंकर टैग का यूज़ किया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरा वो फेसबुक को ओपन कर रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ जब मैं इस लिंक पर ओपन क्लिक करूँ तो ये मेरा नेक्स्ट टैब पर ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ से एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा जिसका नाम है टारगेट। टारगेट के बाद सेम आपको वैसे ही इक्वल डबल कोट, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक का यूज़ करना है। सो यहाँ पे मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा। सो अगर इसका मैं यहाँ पे आपको लिखना है ब्लैंक, सो आप देख सकते हो। सो इसको अगर मैं सेव करूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको रन करता हूँ, सो अभी मैं इसको अगर मैं क्लिक करूँगा ये हमारा न्यू टैब पर ओपन हो रहा है। सो दोबारा मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ ये न्यू टैब पर ओपन हो रहा है। तो इसमें आप दोस्तों एंकर टैग का आपको पता लग गया होगा कि एंकर टैग के ये कैट्रीब्यूट होता है, अगर विदाउट ब्लैंक आप जाते हो तो विदाउट ब्लैंक उसी टैब में ओपन करता है, अगर आप ब्लैंक का यूज़ करते हो तो ये न्यू टैब पे ओपन कर देता हूँ। चलिए इसके बाद मैं आपको जिक्र करता हूँ बटन टैग का। सो दोस्तों एचटीएमएल में बटन बनाने के लिए आपको टैग का यूज़ करना पड़ता है, बटन नाम का ही टैग है। सो बटन आपको यहाँ से बनाना है, बटन आप यहाँ से कर सकते हो और यहाँ पर बटन बना सकते हो। यहाँ पर मैं बटन लिख देता हूँ क्लिक में, यहाँ से लिख देता हूँ क्लिक में। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं रन कर देता हूँ, सो यह ये हमारा एक बटन आ गया, ये बटन के रूप में आ गया। अगर हम एंकर बनाते हैं, सिर्फ एंकर टैग बनाया था तो एंकर हमारा एक सिंपल आया था। चलिए हम एक एंकर टैग भी ले लेते हैं यहाँ पे। सो इसके नीचे मैं एक एंकर टैग बना लेता हूँ जल्दी से। सो एंकर टैग का मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। सो दोस्तों जब भी आप एंकर टैग के अंदर HRF के अंदर हैश का यूज़ करते हो, उसका मतलब ये होता है कि आपको उस लिंक पे किसी भी लिंक आपको नहीं देना है, वो लिंक को आपको खाली रखना है। मैं अगर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके बताऊँ तो ये हमारा आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपको हैश दिखा रहा होगा इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि लिंक में मैंने खाली वैल्यू दी है, तो ये कहीं पर नहीं जाएगा। और बटन आप देख सकते हो कि जब बटन टैग का मैंने यूज़ किया था, बटन और एंकर में क्या फर्क है, बटन में कुछ स्टाइलिंग आती है आपको, बाई डिफ़ॉल्ट आपको बटन में स्टाइलिंग दिख रही होगी, यहाँ पे ये बाई डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर का आ रहा है, और जो हमारा एंकर टैग है वो हमारा ऐसे बाई डिफ़ॉल्ट कुछ पर्पल कलर का आपको आ रहा है और अंडरलाइन आ रही है उसके नीचे। तो हैश का मतलब क्या होता है कि लिंक खाली है और कहीं पे नहीं जाएगा, और टारगेट ब्लैंक में आप न्यू टैब पे ओपन कर सकते हो, और अगर आप सिंपल लिंक देते हो तो उसी टैब में ये लिंक ओपन होता है। और बटन में आप देख सकते हो कि बटन टैग में आपको बाई डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कुछ ऐसी मिलती है। सो इस दोनों में ये फ़र्क होता है। सो चलिए हम नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। सो दोस्तों हमारे एचटीएमएल में जो नेक्स्ट टैग है वो है लिस्ट। तो दोस्तों लिस्ट तीन तरह की होती है जो कि आपको देखने को मिलेगी, यूएल, ओएल और डीएल। सो यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, और डीएल का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो चलिए यहाँ से पहले मैं सबसे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट बना के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अनऑर्डर लिस्ट मुझे बनाने के लिए यूएल लिखना है टैग को, और यूएल को बंद करना है, और उसके बाद हम जब लिस्ट बनाते हैं तो यूएल के अंदर हम एलआई का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लिस्ट आइटम। सो यहाँ से मैं ले लेता हूँ लिस्ट वन, और ऐसे इसको मैं कंट्रोल डी करके ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये मुझे कॉपी कर देगा। सो यहाँ से इसकी मैं नंबरिंग चेंज कर देता हूँ। सो चलिए इसको सेव करके देखें और ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं। सो यहाँ से इसको मैं रन करूँगा तो आपको दिखा रहा होगा ये बाई डिफ़ॉल्ट कुछ इसकी स्टाइलिंग आ रही है, आप देख सकते हो। सो दोस्तों जब भी आप अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हो या ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हो, उसके ये अपनी स्टाइलिंग कर देता है, स्टाइलिंग को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ के इसके यूएल के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हमने इमेज पे देखा था, एंकर टैग में देखा था, ऐसे यूएल के भी अपने कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट टाइप, यहाँ से मैं से, सो यहाँ से आप लिस्ट टाइप भी लिख सकते हो, या फिर अब यहाँ पर टाइप भी लिख सकते हो। यहाँ से मैं टाइप लिख दूंगा, टाइप यहाँ से मैं एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा सर्कल। सो इसको मैं सेव करूँगा
और यहाँ पे इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो ये सर्कल में आ रही है, तो मैंने यूज़ करके देखा इसको, तो ऐसे ही आप सर्कल पर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हो या डिस्क लिख सकते हो। अगर मैं डिस्क का यूज़ करता हूँ सो यहाँ मैं सेव करूँगा और यहाँ पे इसको मैं देखूँगा तो ये डिस्क में हो चुका है। ऐसे इसका एट्रीब्यूट होता है नेस्ट, वो होता है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर का यूज़ करोगे तो स्क्वायर हो जाएगी। सो चलिए मैं नेस्ट लिस्ट की बात करता हूँ ओएल की, तो यहाँ से मुझे सिर्फ इसका नेम चेंज करना है। यहाँ से मैं ओएल लिख दूँगा और ये मेरी जो टाइप है इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये इसका एट्रीब्यूट नहीं होता, तो इसको मैं सेव करूंगा। ऑर्डर लिस्ट मैंने बना ली है, तो ऑर्डर लिस्ट आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर लिस्ट का जो रूल होता है उसका वो जो बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग देता है वो देता है 1 2 3 4 करके। और इसका भी आपको अगर चेंज करना है, आपको कोई अल्फ़ाबेट ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो यहाँ से आप इसका टाइप लिख सकते हो, टाइप इक्वल टू और डबल कोड में इसका आपको दिखा, ये मुझे बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है 1 A और छोटा अल्फ़ाबेट और आई। तो यहाँ से अगर आपको कैपिटल ए में चाहिए लिस्ट तो यहाँ से आप कैपिटल ए लिख सकते हो। और इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ए बी सी डी में मतलब कैपिटल में आ गया है। अगर इसको यहाँ पे मैं छोटा ए यूज़ करता हूँ, छोटा अल्फ़ाबेट मैंने यूज़ किया तो छोटा में आ गया है। तो ऐसे ही इसके जो एट्रीब्यूट है आप अलग अलग यूज़ करके देख सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट लिस्ट की बात करता हूँ, जो हमारी तीसरी लिस्ट है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यहाँ पे कोड यहाँ पे टाइप कर लिया है, जिसका नाम DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टाइप और DD का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन होता है समथिंग, मुझे नेम नहीं याद आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का कुछ लिखने का आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, पहले आपको DL को यूज़ करना है और DL का क्लोजिंग टैग यहाँ से बंद कर देना है और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन टाइप यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद उसका DD लिखना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले ये लिस्ट बनाएगा कॉफ़ी का, मुझे ऐसा ये आउटपुट देगा। सो चलिए इसको ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है ये। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो, तो अगर यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके आपको साथ में कोड भी दिखा देता हूँ उसका, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बन चुकी है जो कि मुझे बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है, इसका हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में CSS में। तो DT मतलब डाटा लिस्ट डेटा टाइप, तो उसके बाद मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कॉफ़ी और उसके बाद जो उसकी डिटेल आ रही है जो लिस्ट की, इसका मतलब डिटेल होता है। तो नीचे लिस्ट जो आप देख सकते हो कि ये लिस्ट को कितने अच्छे से मैनेज करके हमें दिखा रहा है। सो ये तो बात हुई दोस्तों लिस्ट टैग की। चलो नेक्स्ट टैग की बात करते हैं, वो है हमारे टेबल, तो टेबल टैग की बात करते हैं। सो दोस्तों आपको टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर टेबल टैग का यूज़ करना होगा, तो टेबल को बनाने के लिए मैं टेबल का यूज़ करूँगा। टेबल को जब आप यूज़ करोगे तो उसका आपको क्लोजिंग करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा TR, जिसका मतलब होता है टेबल रो। तो टेबल रो मैंने स्टार्ट की, उसको बंद किया। सो आप देख सकते हो कि जब आप एक एडवांस एडिटर का यूज़ करते हो तो उसका कोड कितने अच्छे से मैनेज करता है ये। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मुझे बंद करके दिखा रहा है, उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ टैब का। तो जब भी आपको कोई टैग लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर इसको मैं दोबारा बनाऊँ तो यहाँ पर मैं TR लिखता हूँ, उसके मतलब मुझे एक टैब दबाना है, तो यहाँ पर ये सेटिंग कर देता है। और इसके अंदर मैं जब टैग को यूज़ करूँगा स्पेसिंग देख सकते हो कि कितने अच्छे से मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको यूज़ करना है उसके बाद TH, जिसका मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो यहाँ से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो टेबल हेडिंग हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट क्लास, उसके बाद मैं सेम इसको ही कॉपी करूँगा दो बारी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकेंड और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये कॉपी कैसे किया था, ये ब्रैकेट का यूज़ करके आपको पता चलता जाएगा जब जितनी बार आप इसको यूज़ करोगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से इस हेडिंग जो बन गई है इसकी हमें डेफिनेशन देनी है, वो टेबल के आपको स्ट्रक्चर से पता चलेगा मैं किस हेडिंग की बात करता हूँ। तो उसके बाद आपको एक TR बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं एक TR बनाता हूँ और उसके बाद मुझे फर्स्ट क्लास के फर्स्ट स्टूडेंट का नेम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं यूज़ करूँगा TD, जिसका फुल फॉर्म है टेबल डाटा। सो टेबल बना लिया मैंने और उसके बाद टेबल रो बनाई और उसके अंदर मैंने बनाया टेबल हेडिंग को और उसके बाद मैंने टेबल दूसरी रो बनाई जिसके अंदर मैं लिखूंगा टेबल डाटा और मतलब फर्स्ट क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ राम और यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ही श्याम लिख देता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ सुनीता और उसके बाद इसको मैं एक कॉपी करके यहाँ से लिख देता हूँ सेकेंड क्लास के जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो होंगे कुछ भी, मैं लिख सकता हूँ राहुल। उसके बाद मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अपना ही नेम, मैं गगन लिख देता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जैसे कि तरुण लिख देता हूँ। सो चलिए मैं थर्ड क्लास के भी जल्दी बना के आपको टेबल हमारा रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों मैंने ये थर्ड क्लास के से स्टूडेंट उनका नेम भी लिख लिया है, इसके अभी हम सेव करते हैं और इसको यहाँ से जाके मैं रिफ्रेश करूँगा।
सो आप देख सकते हो कि मेरा टेबल रेडी हो चुका है। तो टेबल को मैं आपको यहाँ से कोड को दिखा के एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि कैसे यूज़ किया हमने। तो जब भी आपको टेबल बनाना है तो टेबल के लिए आपको टेबल का यूज़ करना है, टेबल टैग का, टेबल ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। उसके बाद हमने यूज़ किया था टी आर का, तो टी बॉडी ये बाय डिफॉल्ट दिखाता है, ये टी बॉडी का भी यूज़ होता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट टैग दिखा रहा है, ये अपने आप ही होता है। तो टेबल आर, टी आर का मतलब होता है टेबल रो। तो जब एक टेबल रो बन जाती है तो आपको एक रो मिल जाती है, जैसे आप देख सकते हो कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ से ख़त्म हो रही है। आपको ब्लू कलर का हाईलाइट पार्ट दिखा रहा होगा, होपफुली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया था टी एच, जिसका मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो ये टी, जब भी टेबल हेडिंग का क्या मतलब होता है, जब को आप टेबल को बनाना है, जिस पार्ट को आपको हाईलाइट रखना है, जैसे मान लो टेबल का जो अपर पार्ट आ रहा है जैसे ये वाला, तो आपको टेबल हेडिंग का यूज़ करना है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, या आपके कोई दूसरे फूड नेम हो सकता है कि फूड 1, 2, 3, रेस्टोरेंट 1, 2, 3, तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसके बाद एक हेडिंग के जो नीचे मुझे ये चीज़ें बनानी है, जैसे मुझे फर्स्ट क्लास के नीचे डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक टी आर बनाई, तो मैंने राम का यूज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टी आर बनता है, तो उसके बाद राहुल किस में आ रहा है, ये फर्स्ट नेम के आ रहा है। सो जितने फर्स्ट टी डी, मतलब फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टी डी फर्स्ट क्लास में जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन टेबल का रूल क्या होता है, जब आप एक टीयर बनाते हो, जैसे मैंने तीन मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बना रखी है, तो जब भी मैं अगला टी आर यूज़ करूँगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्लास की जो स्टूडेंट है वो राम आएगा, श्याम आएगा, सुनीता आएगी। सो आपको ऐसे ऐसे यूज़ होता जाएगा। सो मतलब फर्स्ट क्लास के नीचे मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट कहाँ पे मिल रहा है, नेक्स्ट टी डी में, मतलब जो मैंने नेक्स्ट टी आर बनाया उसके फर्स्ट टी डी में मुझे राहुल मिल रहा है, तो उसके नेक्स्ट टी आर में मुझे, मैंने जो फर्स्ट टी डी बनाया उसमें मुझे प्रीत मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको टेबल जब बना रहे हो तो आपको फर्स्ट टी डी में, सेकेंड टी डी में कैसे स्टूडेंट आएंगे वो आपको देखने को मिलता है। चलिए टेबल के कुछ ज़रूरी एट्रीब्यूट की बात करते हैं। सो दोस्तों, जो टेबल का सबसे पहले जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है विड्थ इसका। तो विड्थ मुझे अगर चेंज करनी है इसकी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ स्टाइल, ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट ही हो गया एचटीएमएल के अंदर। अगर आप स्टाइल लिखते हो तो इसको हम इनलाइन स्टाइल भी कह सकते हैं सीएसएस की तरह, लेकिन इसको एट्रीब्यूट बोल सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो मुझे एट्रीब्यूट का जो रूल है, इक्वल डबल कोट, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से विड्थ लिखता हूँ, यहाँ से मैं विड्थ लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कोलन। स्टाइल ऐसे दोस्तों यूज़ होता है कि जब आप स्टाइल को यूज़ करते हो, स्टाइल के बाद आया डबल इक्वल, उसके बाद डबल कोट, और विड्थ के बाद मैंने कोलन का यूज़ किया है। सो सीएसएस का रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप बेसिक नॉलेज ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100%, और यहाँ पे बस आपको इतना ही करना है। इसको हम सेव करेंगे और इसको यहाँ ब्राउज़र रन करके देखेंगे। सो चलिए यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो ये हमारा 100% आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे पहले, अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से देखेंगे ऐसे हो रहा है। इसको मैं दोबारा लिख के आपको दिखा देता हूँ। अगर विथ यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ से 100% लिखता हूँ, तो यहाँ से सेव करके रन करूँगा तो इसकी विथ 100% हो जाएगी। सो दोस्तों, टेबल के ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है। टेबल के एट्रीब्यूट जो होते हैं, कॉल स्पैन, रो स्पैन, वो बहुत ही ज़रूरी है एचटीएमएल के अंदर। उसके ऊपर मैंने फुल डिटेल बता रखी है कि टेबल को कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर जो उसके बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है एट्रीब्यूट, जैसे रो स्पैन, कॉल स्पैन, उसका बॉर्डर कैसे कोलैप्स करता है। सो उसका मैंने ट्यूटोरियल अलग से बना रखा है, क्योंकि मेरे ख्याल से टेबल का ट्यूटोरियल आना चाहिए था, जो कि बहुत ज़रूरी था। उस तो टेबल टैग बहुत ज़रूरी है एचटीएमएल के ऊपर। तो आप वो 5 या 6 मिनट की मेरी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टेबल को अच्छे से समझ सकते हैं वहाँ पे जाके। सो चलिए नेक्स्ट टैग की बात करते हैं, फॉर्म की। सो चलिए दोस्तों, हम फॉर्म्स की बात करते हैं, फॉर्म्स टैग्स के बारे में। सो फॉर्म्स को बनाने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्म टैग का यूज़ करना है। तो फॉर्म जब आप लिखोगे, इसका आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यहाँ पर लिख लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पर इसका, यहाँ से मैं टैब का यूज़ करूँगा अगेन। यहाँ पे मैं एक आपको दोबारा एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ से लेबल यहाँ पे लिखता हूँ इसका। सो दोस्तों, जब भी हम फॉर्म के अंदर नेम का यूज़ करना है तो लेबल टैग का यूज़ होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम बनाना है और लास्ट नेम बनाना है, सो यहाँ से मैं लेबल का यूज़ करूँगा, और लेबल का मैं यूज़ करने के लिए लेबल लिखूँगा, और लेबल में लिखूँगा मैं फ़र्स्ट नेम। और जो दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पे एक फीचर बताने लगा था, जो मेरा ब्रैकेट का एडिटर का जो फीचर होता है, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में एक बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, यहाँ पे एक फीचर जिसका नाम है ब्यूटीफाई। जैसे मैंने यहाँ पे लेबल लिखा है, अगर मैं ब्यूटीफाई पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो किसने बाय डिफॉल्ट जितना मर्जी कोड किया हो आपने, जैसे सिर्फ मैंने 1 लाइन का कोड सेट किया। अगर आपके पास 1000 लाइन का कोड है तो आपको यहाँ पर ब्यूटीफाई लिखना है। अगर मैं कंट्रोल जेड करके आपको बताऊँ दोबारा, यहाँ पर मुझे मैंने ब्यूटीफाई को क्लिक किया, तो उसने कोड को सेट कर दिया।
तो अगर आप हयार लाइन का कोड अपनी मर्जी से ऐसे वैसे लिख रहे हो तो ये आपको सिर्फ ब्यूटीफाई करना है और ये कोड को सेट कर देगा। तो चलिए इसके बाद हम लिखते हैं टैग इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है किसी का, तो नेम को लिखने के लिए आपको यूज़ होता है टेक्स्ट। तो उसके बाद मैं बाकी भी एट्रीब्यूट बताऊँगा कि पासवर्ड के लिए क्या यूज़ होता है। सो टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम और यहाँ से इसको मैं दे दूँगा एफ नेम, मतलब कि फर्स्ट नेम, और इसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। और दोस्तों लाइन ब्रेक के लिए यहाँ पे मैं बी आर का यूज़ करूँगा, जैसे मैंने आपको ऊपर जिक्र किया था टेक्स्ट के बारे में कि बी आर एक होता है जिससे हम लाइन को ब्रेक करते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेवल बना लूँगा जल्दी से, जिसका मैं नेम दे दूँगा लास्ट नेम। और उसके बाद यहाँ से मैं एक और दूसरा इनपुट बनाऊँगा, इसका टाइप दे दूँगा टेक्स, क्योंकि मुझे लास्ट नेम में भी नेम ही चाहिए। सो इसका भी मुझे मैं नेम लिख लूँगा, इसकी मुझे वैल्यू देनी है एल नेम, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा। इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करके देख, यहाँ से मैं ब्राउज़र पे करूँगा और यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ चुका है। सो मान लो दोस्तों आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह आप चाह रहे हो कि मुझे फ़र्स्ट नेम इसके अंदर ही आना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार में कि फॉर्म के अंदर ही आपको पहले ही बाय डिफॉल्ट लिखा आता है कुछ ना कुछ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा होता है फुल नेम फर्स्ट नेम, और इसके अंदर ही आपको लिखा होता है कि लास्ट नेम आप भर दीजिए। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको वो बताता हूँ। सो जो हमारा ऐसे वैसे आप चाहते हो कि मेरा अंदर से नेम आना चाहिए, तो यहाँ से मैं लेबल को डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मुझे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। सो यहाँ से मुझे प्लेस होल्डर में, जैसे आप फर्स्ट नेम लेबल का यूज़ कर रहे थे उसके बजाय आपको यहाँ पर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। यहाँ से आपको लिखना है वो फर्स्ट नेम, यहाँ से मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और सेम एज इट ही मुझे यहाँ से प्लेस होल्डर का यूज़ करना है। सो यहाँ से मैं लिखूँगा लास्ट नेम, इसको मैं सेव करूंगा और ब्राउज़र पे रन करके देखूंगा। तो देख सकते हो कि फ़र्स्ट नेम यहाँ पे लिखा आ रहा है, लेकिन जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा, अगर आप यहाँ पे अपना नाम लिखते हो, जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो जब हम नेम लिखते हैं तो आपको फ़र्स्ट नेम नहीं दिखाई देता है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो फर्स्ट नेम सिर्फ एक तरह का इनपुट के अंदर वैल्यू शो कर रहा है कि आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करना है। तो आप दोनों तरह से फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, लेबल के साथ आपका नेम आ जाता है, और अगर आप प्लेस होल्डर का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट के अंदर उसकी वैल्यू शो करती है। सो चलिए फॉर्म के नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं और बाकी टेक्स्ट की बात करते हैं। जो फॉर्म में हमने देखा होगा कि रेडियो बटन्स होते हैं, तो चलिए हम रेडियो बटन्स को बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेबल का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे रेडियो बटन चाहिए, तो उसका स्टाइलिंग कुछ अच्छा लगेगा। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड कर दूँगा, तो जो मेरे पहले लेबल आ रहे थे वो लेबल आ जाएगा। उसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद इसको मैं कोई रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। चलिए यहाँ पे हम कुछ रेडियो बटन बना लेते हैं। तो रेडियो बटन आपको बनाने के लिए इनपुट टाइप आपको यहाँ पे रेडियो का यूज़ करना है। जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइप होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एडिटर होता है एडवांस लेवल को, आपको बाय डिफ़ॉल्ट बताता है कि कौन कौन से यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से रेडियो बटन यहाँ से बना लेते हैं। तो रेडियो बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पर टाइप रेडियो लिखना है, और उसका आपको नेम देना है। यहाँ से मैं जेंडर देता हूँ, यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हो, जेंडर लिख सकते हो या कुछ भी नेम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रेडियो बटन का आपको नेम वैल्यू यहाँ से आपको सेम रखना है सभी बटन का। वो क्यों रखना है उसका मैं आपको एग्जांपल में बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, तो इसका मैं आईडी कुछ भी देता हूँ, मैं मेल देता हूँ, इसकी वैल्यू भी मुझे मेल ही देनी है। सो यहाँ से हम एक रेडियो बटन बनाएंगे, यहाँ से हम किसी का सेक्स पूछेंगे कि आप मेल हो या फीमेल हो या कुछ अदर ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, तो इसको ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो नेम दोस्तों आपको सेम ही रखने हैं जब भी आप रेडियो बटन बनाते हो, और वो क्यों रखने हैं इसका मैं एग्जांपल दूँगा। पहले हम एग्जांपल दे लेते हैं रेडियो बटन बना के। तो यहाँ से इसको मैं फीमेल देता हूँ, और इसकी वैल्यू मुझे वैल्यू पर मैंने वैल्यू दे दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे मेल देना है और यहाँ पर मुझे नीचे फीमेल देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा अदर्स, और यहाँ पे मुझे भी अदर्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और इसके बाद हम ब्राउज़र पे रन करके देखेंगे। तो ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसका कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। सो वैल्यू देने के लिए दोस्तों आपको सेम लेबल का यूज़ करना है, जैसे आप दे सकते हो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लेबल का यूज़ कर लेते हैं। सो लेबल, तो यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी लिख लेता हूँ यहाँ पे मेल, और इसको मैं लाइन ब्रेक दे देता हूँ, तो बी आर कम यूज़ कर लेते हैं। तो सेम यहाँ से यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से, और यहाँ पे मुझे चाहिए फीमेल,
यहाँ से मैं फीमेल लिख लेता हूँ, और उसके बाद मुझे लास्ट वन चाहिए था अदर्स, तो यहाँ से मैं अदर्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ हमारा से चलिए इसको सेव कर लेते हैं, और उसके बाद हम ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं। तो ये हमारा आ चुका है। तो मेल वाला बी आर मैंने गलती यूज़ किया है, तो हमें उसका यूज़ सही करना है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से बी आर लगाया था, मुझे यहाँ पे थ्री आर लगाना पड़ेगा। तो इसका रेडियो बटन मेरे ख्याल से ऊपर आ रहा है, तो ये मैं देख लेता हूँ। सो दोस्तों, मैंने कोड को यहाँ पे सही कर दिया है। मैंने क्या किया था, मैंने लेबल को नीचे रख दिया था, जबकि हमें इनपुट को स्टार्ट करना है। पहले हमें अपना इनपुट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेल लिखा है, उसके बाद मैं अपना लेबल दूंगा। तो आज मुझे इनपुट का बटन जो पहले दिखाए, उसके बाद मुझे उसकी वैल्यू दिखाए। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ, और अब इसको ब्राउज़र पर रन करके देखता हूँ। तो यहाँ से मुझे रेडियो बटन मेरे दिख गए हैं। सो अगर इसको आपको एक ही लाइन पे चाहिए, तो आपको बी आर का यूज़ नहीं करना है। सो चलिए इसके बाद हम चेक बॉक्सेस की बात करते हैं, फॉर्म के अंदर चेक बॉक्सेस हम कैसे बना सकते हैं उसकी बात करते हैं। सो दोस्तों, चेक बॉक्स को मैंने आगे चेक बॉक्स की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देना चाहता हूँ नेम की, कि अगर हम नेम यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से जेंडर रखा है, अगर इसको नेम अगर सेम नहीं रखते तो क्या होता है। चलिए पहले देखते हैं कि अभी क्या आ रहा है। अगर यहाँ से मैं रेडियो बटन किसी को चूज़ करता हूँ, तो मैं एक ऑप्शन से यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। अगर यहाँ से मैं पीछे कोड में जाके अगर नेम को अगर मैं गलत कर देता, अगर मैं यहाँ से जेंडर के ई को डिलीट करके सेव करके यहाँ से मैं रन करके दिखाऊंगा आपको, तो अगर अभी क्या हो रहा है, जब पहले मैं यहाँ से एक ऑप्शन चूज़ कर पा रहा था, अभी क्या होगा कि मैं दो ऑप्शन चूज़ कर पाऊँगा। दो ऑप्शन कौन सी वाली, जिस पे मुझे गलत दिखा रहा है कि मैंने यहाँ से एक नेम को गलत लिख दिया, अलग नेम कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है, अलग नेम से मैं दोनों वैल्यू को चूज़ कर पा रहा हूँ। जबकि आपको पता है कि फॉर्म के अंदर अभी ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती है। सो चलिए हम कोड को रिक्रिएट कर देते हैं। यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, और यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश कर दूँगा। चलिए अभी चेकबॉक्स की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी कि अगर आप नेम को सेम रखती हो तो क्या होता है। चलिए चेकबॉक्स यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी बना लेता हूँ। सो दोस्तों, मैंने चेकबॉक्स बना लिए हैं, और चेकबॉक्स जैसे आप रेडियो बटन बनाते हो, वैसे ही आपको चेकबॉक्स बनाने हैं। जैसे आप इनपुट टाइप रेडियो लिखते हो रेडियो बटन को बनाने के लिए, वैसे ही आपको इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आईडी दे दी है व्हीकल 1 2 3 की, और नेम को मैंने वैसे ही दे दिया है। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है नेम वाली। अगर आप यहाँ से भी नेम को अगर करोगे, अगर आपको मल्टीपल चेकबॉक्स को क्लिक करवाना है, तो आप नेम अलग अलग दे सकते हो, अदरवाइज़ आपको नेम सेम रखने हैं। और उसकी मैंने वैल्यू दे दी है बाइक कार और बोट की। तो चलिए ये कैसा दिख रहा है चेकबॉक्स हम देखते हैं। यहाँ से मैं कोड को सेव कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ से मैं रन करके देखता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे चेकबॉक्स आ चुके हैं। अगर आप बी आर टैग नहीं यूज़ करते हो तो ये एक ही लाइन पे आ जाएंगे। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए आपको ये यूज़ करना है। अगर आप यहाँ से एक और बी आर टैग यूज़ करोगे, तो आपको अच्छी स्पेसिंग मिल जाएगी। सो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे जो रेडियो बटन है और चेकबॉक्सेस हैं, उसमें काफ़ी अच्छी स्पेसिंग आ रही है अभी। सो आप देख सकते हो कि हमारे चेकबॉक्स हो चुके हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे इनपुट सबमिट बटन की, जो फॉर्म के एंड में आपको दिखने को मिलता है कि आपने नेम यूज़ कर लिया है, आपने टेक्स्ट यूज़ कर लिया है। तो चलिए एक आप और वैल्यू बता देता हूँ इसी वीडियो में, पासवर्ड की। सो पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे आपको इनपुट टाइप, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है नेम। मैं दे दूँगा नेम, और उसके बाद इसे यहाँ से इसकी अगर मुझे प्लेस होल्डर में यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, इसको मैं सेव करूँगा। चलिए यहाँ से ब्राउज़र से रन करके देखते हैं। सो हमारा पासवर्ड आ चुका है। सो अगर पासवर्ड मैं आपको बताऊँगा, अगर इनपुट टाइप अगर टेक्स्ट नहीं यूज़ करते, पासवर्ड यूज़ करते हो, तो यहाँ से आप देखोगे, जब आप पासवर्ड यहाँ से आप टाइप करते हो, तो आपका पासवर्ड स्टार स्टार आता है, जो कि फॉर्म का रूल होता है। तो एचटीएमएल के अंदर जब भी आपको फॉर्म बनाने हैं, तो आपको नेम के लिए यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ करना है, और उसके बाद जब आपको पासवर्ड का यूज़ करना है, अगर किसी को आप फॉर्म में पासवर्ड यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ से इनपुट टाइप आपको पासवर्ड रखना है। तो रेडियो के लिए रेडियो, चेकबॉक्स के लिए चेकबॉक्स। चलिए इसके बाद मैं आपको फॉर्म का नेक्स्ट बताता हूँ। जो टैग होता है वो होता है सेलेक्ट लिस्ट बनाते हैं। तो सेलेक्ट लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मैं सेलेक्ट नाम की टैग यूज़ करूँगा, उसका क्लोज कर दूँगा। तो सेलेक्ट के जो अंदर ऑप्शन होती हैं, यहाँ से हमें ऑप्शन देनी पड़ती है, तो ऑप्शन टैग्स होते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट लिस्ट को यहाँ से ऑप्शन दे दूँगा। यहाँ से मैं दे देता हूँ ऑप्शन 1 फ़िलहाल के लिए, एग्जांपल मुझे यही याद आ रही है। तो यहाँ से मैं ऑप्शन दे देता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2, इसको कर देते हैं हम 3।
3, इसको हम मैं कर देता हूँ 4, और लास्ट वन को हम कर देते हैं 5। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे और इसके बाद हम करेंगे इसको रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो सेलेक्ट लिस्ट है वो बन चुकी है। सो यहाँ से हमने फॉर्म के वेरिएशन देख लिए, एक ही फॉर्म में आप नेम लास्ट नेम लिख सकते हो, पासवर्ड लिख सकते हो, और उसके बाद मेल, फीमेल, जो अदर्स, जो हमने रेडियो बटन बनाए थे, इसके बाद हमने चेक बॉक्सेस बनाए थे, और इसके बाद हमने एक सेलेक्ट लिस्ट बना ली है। सो अगर आप चाहते हो कि यहाँ से मैं ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आ रही है, तो मुझे चाहिए कि ये मेरा 2 बाइट फॉल्ट आए, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरा बाइट फॉल्ट यहाँ पे 2 ही आना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, सिलेक्टेड। तो यहाँ से अगर मैं सिलेक्टेड करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो 2 हमारा सिलेक्टेड आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि 3 आना चाहिए सिलेक्टेड, तो आपको यहाँ से कट करके इसको नीचे यहाँ से लिख देना है। इसको अगर मैं सेव करूँगा तो ये अगर मैं 3 करता हूँ 3 आ रहा है। तो ऐसी चेकबॉक्स का भी एक एट्रीब्यूट होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चेकबॉक्स के लिए जिसको चाहते हो कि वो सिलेक्टर रहे, उसके लिए आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम सेलेक्ट लिस्ट को सेलेक्ट बाइट फॉल्ट सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर लिखते हैं, ऐसे ही हमें यहाँ पे बाइट फॉल्ट चेकबॉक्स को, किसी चेकबॉक्स को चेक्ड रहने के लिए हम चेक्ड नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो मैं सेव करूँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हो कि मेरा पहला ऑप्शन यहाँ पर सेव आ रहा है, चेक आ रहा है। सो यहाँ से जैसे आप यहाँ पर चाहते हो कि मेरा सिलेक्ट लिस्ट में ये वाला ऑप्शन चूज रहे, ऐसे ही आपको चेक लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट को चेक कर रखना है। चलिए हम फॉर्म के नेक्स्ट जो लास्ट होता है हमारा, मैं एक आपको सबमिट बटन बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। सो यहाँ से मैं लिखूँगा इनपुट, इनपुट टाइप। सबमिट बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है इनपुट टाइप बराबर इक्वल टू सबमिट। तो सबमिट लिखेंगे और इसके बाद यहाँ से इसकी मैं वैल्यू दूंगा, तो यहाँ से इसकी मैं वैल्यू दे दूंगा। सो वैल्यू मैं लिखूंगा, मैं सेंड लिख देता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ से क्लोज करना है, इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ से सेंड नाम का एक बटन बन चुका है जिसे हम सबमिट बोलते हैं। सो एचटीएमएल के अंदर आप एक फॉर्म बना सकते हो जिसमें आप नेम के लिए या टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड के लिए आपको टाइप यूज़ करना है पासवर्ड, रेडियो के लिए रेडियो, चेकबॉक्स के लिए चेकबॉक्स, और सिलेक्ट के लिए आपको सिलेक्ट लिस्ट यहाँ से बनानी है, और उसके बाद यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो डाटा। सो ये एचटीएमएल का जो सिंपल फॉर्म है, ऐसे ही बना सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। सो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है आई फ्रेम टैग। सो दोस्तों जब आपने देखा होगा कि हम बहुत बारी क्या करते हैं कि यूट्यूब की वीडियो में एम्बेड करनी होती है एचटीएमएल के वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। जो आपकी नॉर्मल वीडियो होती है जो कि MP4 होती है या OVV की टाइप वीडियो होती है, एक्सटेंशन होती है, उसके लिए हम वीडियो टैग यूज़ करते हैं। चलिए इस सारे टैग्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या लिखना है, आई फ्रेम, और इसको मुझे यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद इसके हम करेंगे एट्रीब्यूट को यूज़। सो दोस्तों मैंने आई फ्रेम का एक फुल टैग लिख दिया है। तो मैंने एक वीडियो को एम्बेड करके देखा है, मैंने अपनी ही यूट्यूब की वीडियो को एम्बेड किया है। सो आई फ्रेम मेनली जब भी आप किसी यूट्यूब की वीडियो को एम्बेड करना चाहते हो एचटीएमएल के पेजेस के अंदर, तो आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको शेयर पे आई फ्रेम का वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपको वो टैग यहाँ पे कॉपी कर लेना है। चलिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ जैसे मैंने वो कर रखी है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई क्रिकेट की वीडियो निकाल रखी है, तो आप कोई भी वीडियो को एम्बेड करना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाना है, यहाँ पे आपको एम्बेड दिख रहा होगा, एम्बेड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो मैंने क्लिक कर दिया, ये थोड़ा मेरा PC थोड़ा हैंग हो गया जी। जब आप इसको एम्बेड पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आई फ्रेम का एक अच्छा सा टैग दिखा रहा होगा, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी करने के बाद मुझे क्या एडिटर में जाना है और यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। उसके बाद आप इसको कंट्रोल एस कर सकते हो, और उसके बाद आप ब्राउज़र पे जाके इसको रन करके देख सकते हो। अगर मैं ब्राउज़र पे इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी वीडियो एम्बेड हो चुकी है। तो आई फ्रेम आपको नॉर्मली दोस्तों जब भी आपको एचटीएमएल के अंदर किसी यूट्यूब को वीडियो को एम्बेड करना है तो आपको आई फ्रेम का यूज़ करना है। इसके आप एट्रीब्यूट दे सकते हो कि एट्रीब्यूट इसने यूज़ किया विथ, उसके बाद इक्वल इसका एक इसने उसकी वैल्यू दी है 560। तो ऐसे कि इसके अलग अलग आप एट्रीब्यूट दे सकते हो, सोर्स का यूज़ किया, हाइट का यूज़ किया है, फ्रेम वाटर का यूज़ किया है, लो स्क्रीन का यूज़ करता है। ये बाइट फॉल्ट आपको यूट्यूब के अंदर ही टैग मिल गया आई फ्रेम। सो एचटीएमएल के अंदर इसका आप यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो को भी एम्बेड किया था, तो किसी भी वीडियो को आप यहाँ से एम्बेड कर सकते हो। और जो अगर इसकी आपको सेटिंग करनी है वो CSS के अंदर होती है, वो CSS का ट्यूटोरियल मैं आपको जल्दी दूंगा इसके बाद, जिससे आप फुल सीख सकते हो कि वेब पेज को कैसे बनाया जाता है। सो चलिए हम इसको टाइम वेस्ट नहीं करते, तो नेक्स्ट टैग की मैं बात करता हूँ। सो दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट टैग है वो ऑडियो टैग। सो मैंने ऑडियो टैग को यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ से इसको मैं अगर कोड को ब्यूटीफाई करूँगा तो यहाँ से ये सेट हो चुका है। तो इसको मैं सेव करके आपको ब्राउज़र पर दिखाता हूँ।
सो जब मैं इसको ब्राउज़र पे करता हूँ तो ये मेरी ऑडियो आ चुकी है। सो ऑडियो टैग को दोस्तों आपको नॉर्मली यूज़ करने के लिए एचटीएमएल के अंदर सेम वैसे ही जैसे हम आई फ्रेम लिखते हैं, यहाँ पे आपको ऑडियो लिखना है, ऑडियो का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके बाद इसके कुछ अंदर टैग होते हैं उसको करते हैं सोर्स। तो सोर्स का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सोर्स को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आप इमेज लिखते हो तो इमेज का जैसे हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं सोर्स, उसके बाद आपको फाइल नेम लिखना है और उसका एक्सटेंशन लिखना है। जैसे ऑडियो की एक्सटेंशन होती है OGG, इसके अलावा MP3 होती है, तो मैं दोनों में नहीं लिखता हूँ। और ऑडियो आप दोनों को फॉर्मेट को सपोर्ट करने के लिए या आपको दोनों फॉर्मेट यूज़ करना है। सो यहाँ पे आपको नीचे ये मेंशन इसलिए करना है कि योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट बिकॉज, क्योंकि HTML के कुछ टैग होते हैं या HTML 5 के कुछ न्यू टैग्स हैं जो कि सारे ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें ये टैग लिखना, ये लाइन लिखनी पड़ती है, ताकि हम किसी यूज़र को जब भी हम अगर अपने कोड को रन करें ब्राउज़र पर, जब वो कोड रन हो जाता है तो हम उस यूज़र को बता सकें कि आपको जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा जो ये टैग है वो रन नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है। तो इसके लिए हम ये लाइन को नीचे लिख देते हैं। सो ऑडियो की तरह ही ऐसे वीडियो टैग होता है, तो आप यहाँ से वीडियो लिखोगे तो वीडियो टैग के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी वीडियो को एम्बेड कर सकते हो, कस्टम वीडियो। तो वीडियो टैग को लिखने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो लिखना है, तो वीडियो टैग को यहाँ से अगर मैं करूँ तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेम यहाँ से सोर्स लिखना है। सो यहाँ से मैं इसको सोर्स लिख दूँगा, सोर्स के बाद यहाँ पे मुझे SRC मतलब मुझे फाइल अभी लोकेशन देनी है। सो किस यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको सेम प्रोसीजर्स यूज़ करना है जिससे आप किसी भी वीडियो को, कस्टम वीडियो को, मैन्युअली वीडियो को अपने PC के अंदर अगर आप वीडियो को एम्बेड करना चाहते हो अपने वेब पेज पे, आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ से आपको फोल्डर नेम चूज़ करना है, उसके बाद आपको डालना स्लैश, फोल्डर नेम के अंदर आपकी जहाँ पे वीडियो पड़ी है वीडियो डालूंगा, और उसकी उसके बाद मैं डॉट के बाद दे दूंगा एक्सटेंशन, जैसे मेरी MP4 वीडियो होगी। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा टाइप के बाद मुझे इक्वल डालना है, यहाँ से डबल कोट डालना, और उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है वीडियो, और उसके बाद मैं स्लैश डालूंगा और मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लिख दूंगा, यहाँ पे मेरी जैसे एक्सटेंशन MP4। उसके अलावा आपकी जो ब्राउज़र को सपोर्ट करने के लिए होती है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो वैसे ही इसको अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो नेक्स्ट आपका सोर्स टैग आ जाएगा। तो वीडियो टैग में आपको दोस्तों क्या करना है, वीडियो टैग में आपको सोर्स का यूज़ करना है, उसके अंदर आपको फोल्डर नेम के अंदर जहाँ पे आपकी वीडियो पड़ी है उसको लिखना है, यहाँ पे टाइप लिखना है। तो दूसरे सोर्स में भी आपको उसको सपोर्ट करने के लिए अलग यहाँ पे एक्सटेंशन देनी है, जैसे यहाँ से मैं OGG दे दूँगा, यहाँ कोई भी आप एक्सटेंशन दे सकते हो दूसरी टाइप की, जैसे वीमियो वीडियो की एक्सटेंशन अलग होती है और दूसरी वीडियो की टाइप कुछ अलग होती है, आपको टाइप देनी है और सोर्स में उसका नेम लिखना है, एक्सटेंशन नेम लिखना है वीडियो का। सो जैसे आप ऑडियो टैग यूज़ करते हो तो ऑडियो का सेम ही रहता है और वीडियो का भी HTML के अंदर सेम रहता है, तो आपको वीडियो के लिए वीडियो रखना है। सो वीडियो के भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे होता है कंट्रोल्स। सो कंट्रोल्स आपको क्या करता है, जब आप वीडियो को कर लेते हो तो वीडियो को ये कंट्रोल दे देता है, ऐसे ही एट्रीब्यूट होता है लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब ये होता है कि जब आप वीडियो को रन करते हो ब्राउज़र पर ये कंटिन्यूसली आपकी वीडियो को चलाता रहता है। तो ऐसे वीडियो के अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं जिसका आप यूज़ करके उसकी वैल्यू देके इसको यूज़ कर सकते हो, आपको विस्ट देनी है, ऑटो कंप्लीट करना या कुछ भी करना है, तो वीडियो के कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट होते हैं, सो इसका आप यूज़ कर सकते हो। सो चलिए मैं नेक्स्ट टैग की बात करता हूँ HTML के अंदर। सो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टैग्स की बात करते हैं जो कि HTML के न्यू टैग्स आ गए हैं। तो जब पहले HTML स्टार्ट हुई थी तो आप क्या करते थे, किसी भी टैग को लिखने के लिए डिव का यूज़ करते थे या शख्स डिव के अलावा कुछ ऐसे टैग थे जो ओल्ड टैग हम यूज़ करते थे। सो HTML 5 के ये न्यू टैग्स आए हैं, उसको हम बोलते हैं सेमेंटिक टैग्स। उससे क्या होता है कि जो सेमेंटिक टैग्स होते हैं उसमें जब हमें कोई नेविगेशन या मेन्यू बार बनानी होती है तो आप डिव का नहीं यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे एक अगर मेन्यू बार बनानी है उसके लिए हम नेव का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही अगर मुझे हेडर पार्ट बनाना है किसी वेब पेज का तो उसके लिए मैं हेडर टैग का यूज़ करूँगा। तो हेडर टैग का ओपनिंग क्लास और क्लोजिंग टैग होता है, और इसके लिए ऐसे ही दोस्तों अगर मुझे फुटर बनाना है तो फुटर के लिए मुझे कोई डिव नहीं लिखनी है और उसको मेंशन नहीं करना कि ये फुटर है, तो उसके लिए HTML 5 ने क्या कर रखा है, उसने मेंशन ही कर दिया उसको फुटर नेम से। तो मुझे यहाँ पे मेरा हेडर के लिए मुझे हेडर देना पड़ेगा टैग, फुटर के लिए फुटर देना पड़ेगा, मेन्यू बनाने के लिए नेविगेशन देना पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने पैराग्राफ जैसे हम देते हैं तो पैराग्राफ को उन्होंने मेंशन किया न्यू टैग के साथ, वो बोल उसको कहते हैं आर्टिकल। तो हमें आपको आर्टिकल का यूज़ करना है पैराग्राफ के लिए। चलिए हम लाइव एग्जांपल से समझते हैं एक वेबसाइट के थ्रू। सो चलिए यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ W3School.com के ऊपर और यहाँ से इसको मैं ओपन कर लूँगा, यहाँ पे मैं HTML पे जाऊँगा और HTML पे ये हमारे न्यू टैग आए हैं आजकल जो हमें बोलते हैं
यहाँ पे सेमेंटिक टैग पे मुझे जाना है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। सो दोस्तों, HTML 5 के न्यू टैग्स आए हैं, जैसे मैंने ब्राउज़र पे आपको टेक्स्ट एडिटर में आपको एग्जांपल दिए हेडर। सो अब यहाँ से इस ग्राफ की तरफ देख के समझ सकते हो कि कितने अच्छे से समझाया। तो जब आपका आजकल हेडर यूज़ होता है, तो हेडर के लिए आपको कोई डिव नहीं यूज़ करनी है HTML के अंदर, कोई टैग नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पे आपको लिखना है हेडर, और मेन्यू के लिए आपको नेविगेशन का यूज़ करना है। अगर आपको न्यू सेक्शन यूज़ करते हो, सेक्शन मीनिंग मतलब अगर आप कोई वेबसाइट देखते हो, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ जब तक ये ओपन होती है। सो आप देख सकते हो कि अगर आप ये जैसे साइड बार आ रही है ये वाली, सो साइड बार के लिए साइड का यूज़ होता है, फुटर के लिए फुटर का यूज़ होता है, तो किसी पैराग्राफ के लिए आर्टिकल का यूज़ होता है। सो मैं अगर सेक्शन को आपकी एग्जांपल बताऊँ, तो मैं एक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ, तो उसके ऊपर हम चलते हैं, तो उसके साथ मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि सेक्शन कैसे, हम सेक्शन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आओगे, मेरी वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, GDS क्रिएटिव्स के ऊपर, सो मैं जैसे एक सेक्शन ये है, ये सेकंड सेक्शन है, उसके बाद दोस्तों ये थर्ड सेक्शन है, इसके नीचे ये धीरे धीरे ओपन हो रही है, लोड हो रही है वेबसाइट। सो इसके अलावा आप देख सकते हो, ये सेक्शन बोलते हैं हम इसको। जैसे आप हेडर ये वाला यूज़ करना है, जैसे ये हेडर है फुल, तो ये इसके लिए आपको हेडर टैग का यूज़ करना है, मेन्यू के लिए आपको नैव का यूज़ करना है, और जैसे आप अगर आपको ये पैराग्राफ यूज़ करना है, उसके लिए आप आर्टिकल का यूज़ होता है HTML के अंदर। और उसके अलावा अगर आपको सीखना है कि सेक्शन कैसे होते हैं, मान लो ये यही सेक्शन है, आपको डिव का नहीं यूज़ करना, ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया, और ये सेक्शन 3 हो गया, मतलब HTML के अंदर हम ऐसे टैग्स का यूज़ करते हैं, जो सिमेंटिक टैग्स हमारे न्यू आए हैं। तो ये इससे आप समझ गए होंगे कि ये न्यू टैग है, हमें कैसे यूज़ करना है। तो आप इसके यहाँ पे ही जाके इसको रीड कर सकते हो। सो चलिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट टैग्स की बात करता हूँ HTML के अंदर। सो दोस्तों, HTML के अंदर जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है HTML एंटिटीज़। सो उसका मतलब क्या होता है कि हमें कई बारी HTML के वेब पेज के ऊपर बहुत सारे सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको फुटर में देखने को मिलता होगा कि कॉपीराइट का सिंबल आता है हमेशा, या ट्रेडमार्क आता है। सो वो कैसे आता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सो HTML के अंदर कुछ हम एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट टैग है HTML के अंदर, वो है HTML एंटिटीज़, जो हमारा HTML का नेक्स्ट पार्ट है, उसकी हम बात करते हैं। सो दोस्तों, आपने बहुत बारी वेब पेज में देखा होगा कि आपको जब फुटर बनाते हो या फिर वेब पेज के अंदर काफ़ी सारे सिंबल का यूज़ होता है, तो कई बार तो हम आइकन का यूज़ करते हैं, लेकिन आइकन के अलावा हम बहुत सारे सिंबल का यूज़ करते हैं, तो वो वेब पेज पे कैसे आते हैं। जैसे फुटर के अंदर आपने देखा होगा कि हम कॉपीराइट का यूज़ करते हैं या फिर ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपको करना क्या HTML के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल राइट्स, ये फुटर के लिए मैं लिख रहा हूँ कॉल ऑल राइट्स, यहाँ से मैं लिखता हूँ ऑल कॉपी राइट रिजर्व्ड। तो यहाँ से अगर मुझे कॉपीराइट के अगर आगे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ HTML के अंदर, तो मुझे लिखना है यहाँ पे एंड, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है मुझे कॉपी। तो अगर इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये हाईलाइट दिखा रहा होगा, कॉपीराइट से पहले यहाँ पे आपको कॉपीराइट का सिंबल दिखा रहा होगा। ऐसी दोस्तों HTML के अंदर कुछ HTML एंटिटीज होती हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी एंटिटीज होती हैं। चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं एक वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि मैं यहाँ से w3school.com ओपन कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही फेमस वेबसाइट है। सो यहाँ से आपको जाना है, अगर मैं HTML पे ऊपर ओपन करूँगा, तो HTML के अंदर ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा HTML की एंटिटीज के बारे में। सो यहाँ से मैं नीचे आ जाऊँगा, तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि मैंने जैसे कॉपीराइट का यूज़ किया, उसको आपको ये वाला कोड यूज़ करना है। अगर आपको रजिस्टर का करना है, तो आपको लिखना एंड REG। इसके अलावा इसका आप न्यूमेरिक वैल्यू में भी कोड का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अलग अलग आपको जो जो वैल्यू चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड चाहिए, यूरो चाहिए, डॉलर चाहिए, उसके लिए आपको कौन सा यूज़ करना है, इन्होंने कोड दे रखे हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो चलिए, हम HTML के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सो दोस्तों, जो हमारा HTML का नेक्स्ट पार्ट है, वो तो बहुत ही फेमस पार्ट है, वो है HTML का HTML की इमोजी। सो दोस्तों, पहले जितना भी इतिहास रह चुका HTML का, तो पहले HTML में कुछ भी इमोजी नहीं आ रहा था, जैसे आजकल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में काफ़ी इमोजी आने लगे हैं। तो हम HTML में आइकन भी यूज़ करते हैं, लेकिन HTML 5 ने अभी खुद के इमोजी लॉन्च कर दिए कोडिंग के साथ।
जिसका कोड आपकी कुछ वैल्यू होती है इमोजी की, आपको उस वैल्यूज का यूज़ करना है और इमोजी आपके सामने आ जाएंगे। सो मैंने कुछ वैल्यूज़ का यूज़ किया है, आपको ये कोड इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। आपको सिर्फ सर्च करना है कि आपको कौन सा इमोजी चाहिए। सो चलिए मैंने कुछ कोड लिखा, मैं आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ। सो चलो देख सकते हो कि कितने खूब ब्यूटीफुल ये इमोजी मेरे सामने आए सिर्फ HTML की कोडिंग के साथ। सो HTML के अंदर, अभी HTML5 के अंदर आप इमोजी का भी यूज़ कर सकते हो HTML की कोडिंग के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर्स है। सो HTML5 अगर जो भी बिगनर सीख रहे हैं तो उनको ये फीचर मैंने बताना चाहता था। तो HTML5 ने लॉन्च किया है कि HTML की आपका कोड को यूज़ करके HTML इमोजी आप ले सकते हो। तो उसका कुछ कोड होता है, इसकी अलग अलग वैल्यू आपको w3school.com में मिल जाएगी। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने कोड यहाँ से लिया है, आप इंटरनेट में दूसरी वेबसाइट से भी ले सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी, यहाँ से आपको HTML5 इमोजी कोड मिल जाएंगे। आपको गूगल में जाना है, आपको यहाँ से टाइप करना है HTML5 इमोजी, लिखोगे तो आपको यहाँ से इमोजी कोड मिल जाएंगे। इमोजी लिस्ट आ रही है, इमोजी लिस्ट भी आप सर्च कर सकते हो। जब आप इसको करोगे सर, आपको देख सकते हो कि जो ये हंसने वाला है या फिर यहाँ पे स्माइली है या कोई भी है, उसका कोड आपको दे रखा है, तो आपको ये मिल जाएगा। सो आजकल आप HTML के वेब पेजेस में इमोजी यूज़ कर सकते हो कोडिंग के साथ। सो दोस्तों चलो, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, मैंने HTML के काफ़ी पार्ट्स को कवर कर लिया इस वीडियो में। जो हमारा लास्ट रह गया मैं बताना चाहता था, सो वो है आइकन। सो किसी भी HTML वेब पेज में हम आइकन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक टैग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मैं इम्बेड नहीं करूँगा किसी फाइल को, थर्ड पार्टी को, वो मैं CSS के पार्ट के लिए रखूँगा। आप CSS में मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हो, जिसमें मैं फुल डिटेल में बताऊँगा, जिसमें आपको A से लेकर Z तक की CSS में फुल सिखाऊँगा, उसके हर एक रूल के बारे में कि कैसे कैसे हो सकते हैं। चलिए इसका मैं लास्ट आपको टैग का बताता हूँ कि हम आइकन कैसे लगाते हैं। तो आइकन को लगाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है आई टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें हम आगे जाके फॉन्ट रसम की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे आइकन के लिए। आपने सुना होगा तो फॉन्ट रसम की लाइब्रेरी को HTML के पेजेस में कैसे यूज़ करते हैं। तो फॉन्ट रसम यहाँ पे आपको लिखना है और उसको यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिंकिंग करनी है। ये मैं आपको सारा पार्ट आपको CSS के अंदर बताऊँगा। सो चलिए, जब आपको आइकन यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे आप क्लास का यूज़ करते हो, क्लास के बाद एट्रीब्यूट क्लास ही हो गया। मैंने जैसे आपको एट्रीब्यूट का रूल बताया, एट्रीब्यूट को यूज़ करनी है क्लास इक्वल, उसके बाद डबल कोट। और यहाँ पे अगर आप फॉन्ट रसम की लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो उसका आइकन लगाने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ता है FA, मतलब कि फॉन्ट रसम, उसके बाद फिर मैं लिखूँगा FA, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है आइकन नेम। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ जैसे सर्च, अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कोई भी लाइब्रेरी इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी इंक्लूड नहीं की है। सो मैंने सिर्फ बता रहा था कि HTML अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो आइकन का भी आपको कैसे यूज़ करना है HTML वेब पेज के अंदर मैं आपको बताता जाऊँ। सो दोस्तों, ये HTML का फुल ट्यूटोरियल था। HTML के ऊपर मैंने सारे पार्ट को कवर करने की कोशिश की है, जितने भी HTML के पार्ट होते हैं, चाहे वो HTML5 के जितने हो, HTML5 के न्यू टैग हो, इमोजी हो, अटेंटिस हो, या फिर HTML के जितने टैग्स हैं, और टेबल के ऊपर मैंने आपके एक ट्यूटोरियल बना रखा है फुल उसके ऊपर, तो आप उसका जाके यूज़ कर सकते हो कि टेबल का कैसे कैसे यूज़ करना है, कॉल स्पैन, रो स्पैन, जो उसके एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी हैं। सो टेबल को हम जितने भी एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी यूज़ करते हैं HTML5 के लिए, जो यूज़र सीखना चाहते हैं अच्छे से डिज़ाइनिंग और फ्रंट एंड को सीखना चाहते हैं, वो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, मैंने उसमें टेबल को डिटेल में बता रखा है, उसकी स्टाइलिंग बता रखी है, आप उसको जाके दे सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मैं HTML फुल ट्यूटोरियल आपको बताना चाहता था। सो होपफुली ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट को शेयर किया के रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली किसी वीडियो को मिस ना कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जिसके साथ मैं CSS का ट्यूटोरियल लाऊंगा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक कीप लर्निंग, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।